तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एरेज लाइक अलग डेटा स्ट्रक्चर और ऐसे डेटा स्ट्रक्चर कि जिनके अंदर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज अपनी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने मिसाल लिया एक बैग किया, लेट से केस है, फोन का केस है, मेरा फोन है, इसका पाउच है, इसके अंदर एक फोन आ सकता है। लेट से मैं एक फोन केस यूज कर रहा हूँ पॉकेट वगैरह में रखने के लिए, जो ताकि स्क्रीन वगैरह प्रोटेक्टेड रहे। अभी से थोड़ा पुराने टाइम में जाओ तो 3-4 साल पहले तक हम लोग क्या करते थे, फ्रंट और बैक वो एक कवर होता था, एक फोन होता था उसके केसेस ऐसे होते थे कि फोन पीछे से और आगे से कवर हो जाता था और फ्लिप उसका बंद हो जाता था। ठीक है, तो लेट से ऐसा ये केस उसके अंदर एक वक्त में एक फोन आ सकता है। ठीक है, मैं उसको अपनी पॉकेट में रखूंगा, वो तो एक वेरिएबल हो गया जिसकी टाइप क्या, एक फोन, और यानी उसके अंदर एक फोन टाइप का डेटा ही सारा आ सकता है, फोन आ सकता है उसके अंदर बस। अब मेरे पास 4-5 फोन है, मुझे रखने की जगह नहीं है, मेरे पास कहाँ रखूँ मैं, तो मैं क्या कर दूँ, क्या करूंगा, एक ऐसा केस बनाऊंगा या एक ऐसा वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू आ सकती हैं। लेट से कल को मेरे पास स्टूडेंट था सिर्फ एक, आज मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो अब क्या होगा, अब मैं मल्टीपल स्टूडेंट्स को जब इनरोल कर रहा हूँ, मल्टीपल स्टूडेंट्स को अपने पास रख रहा हूँ, तो क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूज के लिए मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए होगा जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सके। मल्टीपल स्टूडेंट्स है तो मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक ऐसा वेरिएबल चाहिए होगा जो कि मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक साथ होल्ड भी कर सके, उसके लिए मैं एरेज को यूज करता हूँ। ठीक है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी, अगर अगर सिर्फ ये जो यहाँ पढ़ना है ना, तो उसको जरा ये देख लो कि भाई बेसिकली एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल डेटा टाइप। बिल्कुल सिंगल डेटा टाइप होगी एरे के अंदर, टाइप अलग अलग नहीं होंगी। जावास्क्रिप्ट वाला हिसाब नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, डेटा टाइप्स, क्योंकि वहाँ पे डेटा टाइप्स उस तरह से, यहाँ ये सी लैंग्वेज क्योंकि टाइप सेफ लैंग्वेज है। ठीक है, हम हर चीज टाइप के साथ कर रहे हैं, सी शार्प जो है टाइप सेफ लैंग्वेज है, हर चीज टाइप के साथ कर रहे हैं। वेरिएबल मैं जो एरे का डिक्लेयर भी करूंगा वो भी टाइप बता के करूंगा कि ये इस टाइप का डेटा, इस टाइप का जो इसके अंदर वैल्यूज आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है। फिर उसके अलावा ये कि हम सेम टाइप का डेटा एक एरे के अंदर सेव करेंगे, और एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन होती है, यानी फर्ज करो कि अगर हम अभी बात करें व्हाइट बोर्ड यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और लेट से अगर मैं बात करूँ, शिफ्ट चाहिए मुझे, ये रहा। तो लेट से जी पूछो। सही है, अच्छा तो लेट से ये मेरा पूरा एक वेरिएबल है। अब पहले क्या होता था, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आती थी। लेट से अगर मैंने इसके अंदर वैल्यू रखनी है तो वो हो गई वैल्यू कोई, ठीक है, या मैंने इसके अंदर एक नेम रख दिया जो कि अजहर है। ठीक है, और अब ये नेम जो है ना, वो ये नेम यहाँ पर आ जाएगा, और ये नेम एक ही वैल्यू है इसके अंदर, इसके साथ और कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकती। लेकिन अब क्या है, अब मैं ये चाह रहा हूँ की वैल्यू तो एक वक्त में पहले जो होती थी ना वो एक ही होती थी। ठीक है, अब मैं इसमें मल्टीपल वैल्यूज चाह रहा हूँ। सही है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आ जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे ये एरे भी ना मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। यानी अब क्या होगा, एक मिनट यार। ठीक है, अच्छा तो अब क्या होगा, क्या अब क्या होगा, ये इस मरतबा मैंने ये स्टोरेज तो बन गई, ये मैंने एरे तो बना, ये नहीं मैंने एक वेरिएबल तो बना लिया, लेकिन अब ये वेरिएबल अपने अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा। कैसे स्टोर करेगा, स्टोर करेगा इसने अपने अंदर मजीद लोकेशन बनाने शुरू की, इसने अंदर अपने जगह बनाने शुरू की, इसने कहा कि ठीक है वैल्यू आ सकती हैं। मैंने कहा इसके अंदर यार तुम बहुत सारी वैल्यू एक्सेप्ट करो, क्योंकि अब मेरे पास ना मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है। अब मेरे पास ये एरे बन रहा है, अभी नॉर्मल वैल्यू वेरिएबल नहीं है। अच्छा, ये बॉक्सेस मुझसे भी छोटे बड़े बन रहे हैं, लेकिन ये स्पेसेस जाहिर है एक जैसी बन रही होगी, जैसे जैसे कैरेक्टर आते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने इससे कहा कि भाई अब तुम्हें मैंने एरे बनाया है, अब तुम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब ये एक एरे है और ये मल्टीपल वैल्यूज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, और हमने ये एरे है जिसके अंदर बहुत सारी हमने वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, हम आगे मजीद इसको भी कोड से भी समझेंगे किस तरह से।
लेकिन इनकी जो टाइप होगी ना सबकी वो सेम होगी, यानी अगर मैंने इसमें नेम दे दिया या कोई नंबर दे दिया तो सब में नंबर्स देने पड़ेंगे, सब में नंबर्स देने, अगर एक में नेम दिया सब में नेम दिए। और इवन इससे पहले जब मैं ये सब कुछ बना रहा हूँगा ना, जब मैं ये पूरा एरे बना रहा हूँगा, मुझे तभी डिफाइन करना है पहले से कि मैं चाह क्या रहा हूँ, ठीक है। मुझे तभी पहले से बताना है कि वॉट आई एम वॉट आई वॉन्ट टू डू, मुझे करना क्या, मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे हमने सी लैंग्वेज के अंदर बनाया था, टाइप के साथ हमने एरे को बनाया था, ठीक है, कि हम ये बता रहे थे कि टाइप कौन सी होगी हमारे एरे की, स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा या कौन सी टाइप होगी। यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि यहाँ पे हम टाइप के साथ काम करेंगे, बताएंगे कि जी हमारा जो एरे है वो इस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है, वट एवर जो भी आप चाहो, किसी भी टाइप का आप रखना चाहो तो हम पहले से बताएंगे, ठीक है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और स्क्रीन को विजुअल स्टूडियो में ले जाते हैं। आई थिंक डिस्प्ले हो रहा होगा आप लोगों के पास विजुअल स्टूडियो मेरे पास, मेरे यहाँ पे। अगर डिस्प्ले हो रहा है तो मुझे एक मतलब बता दो ताकि मुझे भी पता चल जाए। सही है, गुड। अच्छा जी, तो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले बना लेते हैं। अच्छा मरवान, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा तो पूछ लो, हैंड रेज किया तुमने। नहीं है, ठीक है। तो किस तरह बनेगा भाई, पहले जैसे बनाते थे। आपने करना क्या है, देखो आप यहाँ पे बताओगे कौन सी टाइप का डाटा बनेगा। तो मैंने अभी से बता दिया कि ये एरे बनेगा, इसकी टाइप ही एरे होगी, ठीक है। और इसका नाम लेट से मैंने रख दिया, मैं कोई सैलरी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, सैलरी। और इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो एरेज बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, इक्वल्स टू न्यू एंड इस टाइप का डेटा इसके अंदर आ जाएगा। अब आप ये बता दो कि आपने वैल्यूज के अंदर कितनी स्टोर करनी है। तो मैं क्या देता हूँ कि लेट्स के अंदर 5 वैल्यूज स्टोर करनी है मुझे, ठीक है। तो ये एरे बन गया, ठीक है। और इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, एरे के अंदर मैं इस तरह से मैंने एरे बना दिया और एरे के अंदर वैल्यूज मैं नीचे पास कर दूंगा, ठीक है। तो एरे के अंदर वैल्यूज किस तरह से पास हो सकती है, तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। चल जी, और मैंने यहाँ पे बता दिया मेरा इंडेक्स कौन सा है, 0 इंडेक्स के बाद मुझे पास करना है, लेट से ये सैलरी पास करनी है, सैलरी इंडेक्स कौन सा है, इंडेक्स नंबर लेट से 1 है, ठीक है। और इंडेक्स नंबर 1 पे मुझे पास करनी है, सैलरी। और इंडेक्स नंबर 2 है मेरे पास, ठीक है। देखो इस सब से तुम लोग गुजर के आ चुके हो, किस तरह से ये वैल्यूज आती हैं, किस तरह से इनको यूज करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है। एक सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन हम कर रहे थे कि याददाश्त के अंदर एक बात रहे कि हाँ यार हम लोग इस तरह कर चुके हैं, तो एक रिपीटेशन हो जाए। ये कितने इंडेक्स के ऊपर जाएगा मरवान, पता है तुम्हें? और ये 3 बना गए, पांच तक जाएगा पक्का। अच्छा 0 से 5 तक जाएगा, इसमें तो आनी टोटल 5 वैल्यू है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, ये बना लेता हूँ 5 वैल्यू, 0 से 5 तक आ गया ना ये, सही है ना? यहाँ पे गलत तो नहीं कर रहा ना, मतलब मैं देखो सही है, मैं तो तुम्हारे मुताबिक बिल्कुल सही जा रहा हूँ। 5 वैल्यूज आनी थी। एरे की लेंथ क्या है? सिक्स है, 5 है, 6 है 5 है, पक्का देख लो। ये एरे की लेंथ ही तो कहलाती है, ये एरे की लेंथ ही तो कहलाती है, ये एरे की लेंथ ही कहलाती है। ये देखो नंबर, ये एरे की लेंथ है जो कि कहलाएगी, इतनी वैल्यूज एरे के अंदर आ सकती हैं। हाँ लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने यहाँ पे ये 5 वाली वैल्यू एंटर कर दी, हालांकि 0 से लेकर 4 तक की वैल्यूज आनी थी यहाँ पे। 0 फर्स्ट लेंथ, लेंथ के अंदर सेकेंड वैल्यू,
थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू और देन फिफ्थ वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगी, ये वैल्यू प्रिंट ही नहीं करेगा ये, ठीक है। कोई एरर दे देगा, कोई भी मसला कर देगा ये प्रोग्राम, लेकिन ये प्रिंट नहीं करेगा। हाँ बोलो। हाँ पूछो। हाँ तो वो वही तो लेंथ है रहेगी, असल लेंथ ही वही है। मैं यहाँ पे करता हूँ ना, ये देखो अभी कर लेते हैं तुम, सिर्फ तुम्हारे लिए अभी प्रैक्टिकल। देखो लेंथ क्या होती है एरे की, कितनी की एरे की लेंथ का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज आ रही है, ऐसी बात है। ये देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से पढ़ो। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑफ इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑफ वैल्यूज, ठीक है, प्लेस इन कंटिगस मेमोरी लोकेशन एंड दीज वैल्यूज आर रेफरेंस यूजिंग कॉमन एरे नेम, ठीक है। कॉमन एरे नेम के साथ इनको हम रेफरेंस करते हैं, यानी ये बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि कंटिग्यूअस लोकेशन एक के बाद एक लोकेशन के अंदर सेव हो रही होती हैं, और इनको हम कॉमन एरे नेम के साथ सेट करते हैं। यानी फर्ज करो यहाँ पर हमने नेम रखा है सैलरी, ठीक है, वॉट एवर तुम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ मेंटेनिंग दीज वैल्यूज, ये हमारा काम क्या कर रहा होता है, आसान कर रहा होता है मल्टीपल वैल्यूज को सेम रखना, ठीक है, और सेम जो डेटा टाइप ना एरे स्टोर कर रहा होता है। अच्छा ईच वैल्यू इज रेफरेंस टू एज एन एलिमेंट, ये हर हर जो वैल्यू हर जो रेफरेंस है हर जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट वो एक बेसिकली वैल्यू के साथ रेफरेंस किया जाता है, ठीक है। जैसे से एरे का हर एलिमेंट, ये समझ लो कि एरे का जो इंडेक्स है ना उसका आप कह लो कि एरे का जो हर एलिमेंट है वो एक वैल्यू के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। हर हर इंडेक्स एक वैल्यू के साथ एसोसिएटेड होता है। दीज एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग सबस्क्रिप्ट, ये वो सबस्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है, जो एरे के साथ होते हैं, और तो इंडेक्सेस जो है ना वो सबस्क्रिप्ट कहलाते हैं यहाँ पर। तो ये वो सब्सक्रिप्ट होते हैं जो कि एरे के इंडेक्सेस भी कहलाते हैं, नंबर जो कि डिटरमाइन कर रहा होता है एरे की पोजीशन। जी देखो एरे का नाम क्या है यहाँ पे, आप दोबारा आओ विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं दोबारा से। एक मिनट यार, आप में से जिसको भी मैसेज आ रहा है ना बस एक मिनट देना, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ बताता हूँ। देखो एरे का नाम तो यहाँ पे क्या है, सैलरी। ये एरे की टाइप है इंटीजर, ये एरे के अंदर की वैल्यूज हैं, इंटीजर टाइप का है ना क्योंकि इसमें नंबर आ रहे हैं, इसकी इंटीजर टाइप का डेटा है, ये इंटीजर टाइप का मैंने बनाया, ये एरे इंटीजर टाइप का है, सही है। अच्छा अब ये एरे की लेंथ है, ये जो 5 लिखा हुआ है ना इसका मतलब है कि एरे के अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी ये 5 डिसाइड करेगा। और अब मैं यहाँ पे लूप मैं ये करता हूँ क्या, बिल्कुल एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से काउंट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और नोट पैड बल्कि व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं अपने इसके, ठीक है, अभी पता चलता है तुम्हें देखना। ये देखो 0, 1, 2, 3, 4 कितने बॉक्सेस हो गए हैं यहाँ से यहाँ तक, 5 बॉक्सेस हो गए, लेकिन एरे के हिसाब से मैं कौन सा इंडेक्स पर हूँ, फोर्थ इंडेक्स पर। इसका मतलब है कि 0 से स्टार्ट होगा तो 5वीं वैल्यू तक पहुँचते पहुँचते मेरा इंडेक्स क्या रहेगा, 4। बिल्कुल शाबाश बेहतरीन, बस मैं यही बताना चाह रहा था। इसका मतलब है कि इंडेक्स नंबर 4 पे एरे की 5 वैल्यूज पूरी हो गई। ये देखो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू एंड देन फिफ्थ वैल्यू। तो ये जो इंडेक्स 5 वाली वैल्यू है ना ये प्रिंट नहीं होगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई 0 बिल्कुल सही है, आई कहाँ पे जा रहा है, आई जा रहा है यार 4 तक, ये मैं कह रहा हूँ 5 तक, 5 से छोटा रहेगा आई और प्लस प्लस। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सैलरी और आई नंबर ऑफ वैल्यूज सैलरी की प्रिंट हो जाएंगे, यानी जो भी आई टाइम होगा। फर्ज करो जब एरे का इंडेक्स जो सैलरी का इंडेक्स जब 0 है तो आई का भी इंडेक्स उसमें 0 होगा क्योंकि लूप स्टार्ट हुआ होगा। फिर जब सैलरी का इंडेक्स 1 हुआ तो आई का इंडेक्स जो है वो भी 1 हो गया होगा क्योंकि आई 2 हो गया, 1 हो गया होगा, और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं कंट्रोल F5। अच्छा क्या हुआ, प्रिंट क्यों नहीं भाई, कंट्रोल डॉट राइट लाइन और ये मुझसे क्या कह रहा है, ये मुझे प्रिंट करने के लिए क्यों नहीं कह रहा, इसको चाहिए मेरी वैल्यूज प्रिंट करे। आई बिल्कुल सही लिखा है, हाँ
अच्छा, ये मुझसे कह रहा है कि आपने क्या किया है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं। ये शायद एरे को मेरे सही से ना डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एरे डिक्लेयर नहीं हुआ होगा तो इसलिए हुआ यह है कि मेरी वैल्यू सही से ये एंटर नहीं कर पा रहा है। लेट से मैं इस वैल्यू को ऐसे हटा देता हूँ। बोल ठीक है, ये क्यों मेरी वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहा था? क्योंकि मैंने क्या मिस्टेक की थी, मैंने पहले बता ही दिया था कि वैल्यू मेरी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने वैल्यूज कितनी दी हैं, मैंने वैल्यूज दिए हैं, मैंने लेंथ बताई है 5, लेकिन मैं कितनी वैल्यूज दे रहा था, मैं 6 वैल्यूज दे रहा था, इसीलिए बिल्कुल सिर्फ इसीलिए। इसने इसने क्या किया, इसने मेरी वैल्यूज को प्रिंट नहीं किया, इसने एक्सेप्शन दे दी, यानी कोड वहाँ पे जाके बस्ट हो गया, कोड फट गया, इसने एक्सेप्शन दी कि भाई ये प्रोग्राम नहीं चल सकता या इसको हैंडल नहीं कर सकती थी शार्प, ठीक है। बस कोई एरर नहीं आया, एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी जब प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे मैं काम कर रहा हूँ तो कोई एरर नहीं है, लेकिन जैसे प्रोग्राम रन हुआ ना, तो जैसे ही एरे क्रिएट हुआ या जैसे ही एरे के अंदर वैल्यूज जानी शुरू हुई, तो उसने देखा, मैं यहाँ पे देखो भी करता हूँ, मैं एक पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस प्लेस के ऊपर इस पॉइंट पे देखो, ये ब्रेक पॉइंट ऐसे लगता है। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस पर, और मैं यहाँ से ना ये कमेंट डाल देता हूँ, सबसे पहले इस प्रोग्राम को बंद करता हूँ और फिर यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ फाइव प्रेस करता हूँ और एफ टेन प्रेस करता हूँ, जब आगे बढ़ता हूँ तो देखो इसको वैल्यूज नहीं मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं सारी वैल्यूज मिल रही हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आके ना प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे आके इसको वैल्यूज नहीं मिल रही हैं, ठीक है, ये देखो आगे बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आई, एक्सेप्शन क्या है, इंडेक्स वॉज आउटसाइड ऑफ द बाउंड ऑफ द एरे, इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स है ना, ये एरे के जो बाउंड है उससे बाहर है, यानी आपने जो एरे की बाउंड्रीज दी है वो कितनी होंगी, वो दी होंगी 4 तक, क्योंकि इंडेक्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज अगर आएंगी तो इसका मतलब उसके अंदर इंडेक्सेस सिर्फ 4 तक ही होंगे, ठीक है। तो आपने जो वैल्यू दी है वो तो हमारे पास नहीं है, जो हमारे जो आपने बाउंड दिए, क्योंकि मैंने जो डिफाइन किया एरे की लेंथ क्या है, ये कह रहा है कि सर आपने जो एरे की लेंथ डिफाइन की है ना, मेरे पास उस बाउंड से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने की जगह नहीं है, ठीक है। आपने मुझे बोला 5 वैल्यू स्टोर करनी है, मैंने 5 वैल्यू स्टोर की, शराफत से अच्छे बच्चों की तरह मैंने कोई आपसे बात नहीं की, लेकिन जब आपने 6ठी वैल्यू स्टोर की ना, तो क्योंकि आपने मुझे इजाजत नहीं दी थी इससे पहले, तो मैं आपको सेव नहीं करके, बिल्कुल मैं सेव ही नहीं कर सकता। F10 प्रेस करते हैं, प्रोग्राम कंटिन्यू होता है और इसलिए मुझे वो एक्सेप्शन यहाँ पे शो कर दे, ठीक है। देखो कोई भी हमें चीज पढ़नी है ना, तो क्या करूँ, अपने प्रोग्राम की मुझे एक्सेप्शन देखनी थी कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी बेसिकली, तो मैंने इसलिए क्या किया, यहाँ पे मैंने उसको ब्रेक पॉइंट लगा दिया। आप असल अपना माइक बंद कर दो यार, ठीक है, मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, मेरी एक्सेप्शन जो थी वो जब बंद करो, तुम फिर बोल कैसे रहो, मैं तुम्हारी आवाज़ समझ कैसे रहा उनकर। अच्छा सही है, तो भाई हमने एक्सेप्शन देखी कि किस तरह से मुझे वो बता रहा है कि आप गलत काम कर रहे हो। मैं इसको दोबारा से कमेंट कर देता हूँ, बल्कि कमेंट क्या कर देता हूँ, जब बात ही कर रहे थे तो मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है। और हमने ये समझा कि एरे यहाँ पे किस तरह डिक्लेयर होगा और किस तरह से एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर करनी है, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? हाँ पूछो। हाँ देखो, मैंने तो मैं भी अभी मैंने तुम्हें दिखाया ना कि एक्सेप्शन दे रहा है, ये एक्सेप्शन दे रहा है और ये कह रहा है कि भाई आप
जो वैल्यू यहाँ दे रहे हो ना पांचवें इंडेक्स, जो इंडेक्स 5 को जो दे रहे हो वैल्यू, ठीक है, वो आउट ऑफ बाउंड है, यानी जितनी आपने बाउंड्रीज डिफाइन किया ना इससे पहले उससे बाहर है, तो आप बाउंड के अंदर की वैल्यू दो तो प्रोग्राम सही चलेगा, वरना प्रोग्राम सही नहीं चलेगा, डेटा नहीं उड़ेगा, डेटा नहीं उड़ेगा, एक्सेप्शन आएगी तुम्हारे पास। हाँ बिल्कुल, जितनी लेंथ दो ना, देखो जितनी लेंथ दे रहे हो ना तो कम से कम उतनी वैल्यू उससे दो, ठीक है, और उससे ज्यादा नहीं दो, वरना तुम्हारा प्रोग्राम खराब होगा, वरना वो स्टोरी नहीं होगी ना, कुछ सोचो वैल्यू स्टोरी नहीं होगी तो डेटा खराब कैसे होगा, जब वैल्यू स्टोर होगी तो डेटा उड़ेगा ना, वैल्यू जब स्टोर ही नहीं होगी तो फिर क्या फायदा, सिंपल, सही है। जल्दी से ज्वाइन कर ले सब, फिर से दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर लेता हूँ। चलो कंटिन्यू कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा लेट से मैं एरे के अंदर कुछ नेम स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पूरे हिस्से को ऐसे कमेंट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है, और फिलहाल मैं इसी एरे की यूज करते हुए मैं दोबारा से यहाँ पे, अब मुझे एक एरे बनाना है जिसकी टाइप डिफरेंट है, अभी स्ट्रिंग टाइप का डेटा है लेट से, तो मैं क्या करूँगा, बनाना एरे ही है तो यहाँ पे ब्रैकेट से फाइन कर दिए, ठीक है, और लेट से मैंने बता दिया कि यार नेम्स है मेरे कुछ स्टूडेंट्स के, ठीक है, न्यू, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, न्यू के बाद मैंने कह दिया यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे लेंथ डिफाइन कर दो, लेट से 5 लेंथ देना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लेंथ जो है वो 5 दे दी। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, नेक्स्ट लाइन में आकर सिंपली क्या करूँ, नेम प्रिंट कर दो, नेम मैंने कहा नेम के अंदर वैल्यू आ जाएगी, नेम 0, और सिंपली इस तरह से जैसे मैं भी यहाँ पे वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ, आप भी इस तरह से क्या कर दो, यहाँ पर ये वैल्यूज एंटर कर दो, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट्स से, अच्छा 1 मिनट, ये नेम ऑफ नहीं है, नेम है ये, ठीक है, मैंने बता दिया इंडेक्स नंबर 1 से क्या आएगा जी, अहमद का 2 पे क्या आएगा जी, ठीक और फिर 3 पे आ जाएगा नेट से, कलीन, ठीक है, तो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, ये 5वीं वैल्यू हो गई टोटल, फिफ्थ वैल्यू ये हो रही है, ठीक है, सही है, ये 5 वैल्यूज हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यूज हो गई, अब मुझे ये भी प्रिंट करनी है, लेकिन ना मुझे खुद पे शक है, शक ये है कि मैं क्या पता कल को वैल्यूज इंक्रीज कर दूं, तो फिर कैसे करेगा आप,
या चलो मैं कल को वेरी इंक्रीज में करूँ, मैं ये कहूँ कि मैं स्ट्रिंग को भी वैसे ही प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने नॉर्मल अपने टेक्स्ट को प्रिंट किया था। तो मैं फिर से ये कहूँगा आपको तो क्या करूँ, फॉर लूप बनाऊँ, फॉर लूप में आप क्या करो लेंथ जो है ना वो प्रोवाइड कर दो इसको, कितनी लेंथ है मेरी, 5 लेंथ है तो उसको बता दो कि भैया 5 से छोटा रहेगा आई और कितने अमाउंट वगैरह, ठीक है, लेंथ बता दो 5 से छोटा रहेगा, ठीक है। और मैंने कहा नेम और आइस नंबर ऑफ नेम को मैंने प्रिंट कर दिया, कंट्रोल F5 फ्लेक्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 नेम्स यहाँ पे प्रिंटेड है, ठीक है। लेट्स से ऐसा ही मुझे शौक हुआ, मैंने यहाँ पे नेम 4 को एक नई वैल्यू दी, अकमल, ठीक है, कंट्रोल F5, लेट्स सी कौन सी वैल्यू प्रिंट होती है। तो देखो जहाँ पे इंडेक्स 4 था ना वहाँ पे पहले वैल्यू कौन सी थी, पहले वहाँ पे वैल्यू अलग थी, लेकिन अभी कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई, जो मैंने नई वैल्यू दी है। तो आप इस तरह से एरे के इंडेक्स की जो वैल्यूज हैं इनको रीराइट कर सकते हो, वैल्यूज में चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर लिया, सही है, उसको फिलहाल मैं कॉमेंट कर रहा हूँ, बाद में देख लेना चाहूँ तो। और इस तरह से हमने लेटेस्ट स्ट्रिंग टाइप का भी जो डाटा है ना वो भी हमने प्रिंट करके देखा। अच्छा फिर आप लोगों को अगर याद हो तो हमने डाटा एरे को हमने एक और भी तरह से सी लैंग्वेज के अंदर करके देखा था कि हम मल्टीपल को भी कमेंट कर देते हैं यार। हमने एक और भी तरीका देखा था कि आप सिंपली, मैं चाह रहा हूँ कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एरे, मैं जब डिक्लेरेशन कर रहा हूँ एरे की उसी वक्त मैं ना क्या करूँ एरे को वैल्यू असाइन कर दूँ, ठीक है। मैंने ये भी देखा होगा अगर आए हम थ्योरी के ऊपर, तो हम थ्योरी के हिसाब से कहाँ तक पहुँचे, हमने इंडेक्सेस देख लिए, ठीक है। सी शार्प सपोज करती है जीरो बेस्ड इंडेक्सेस के ऊपर, ठीक है, यानी आपका जो इंडेक्स होगा जीरो से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद इंडेक्स का तरीका निकालना आपको बता दिए यहाँ पे, ठीक है, इंडेक्सेस को किस तरह से फाइंड करना है वो सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। इंडेक्सेस के थ्रू आप डेटा को किस तरह से यहाँ पर अपने अरेंज कर सकते हो, एवरीथिंग इज गिवन है, सब कुछ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसको एक मतलब पढ़ लेना, अगर जैसे कहीं कोई पूछे तो थोड़ा सा वर्डिंग जो है ना थोड़ी फॉर्मल करके लिखी है, तो कहीं हम लोग नॉर्मल तो अपनी नॉर्मल उर्दू के अंदर ही बात कर रहे होते हैं कि यार ये इस तरह से इंडेक्सेस ऐसे काम करें ताकि समझने के लिए, बट जैसे अगर किसी को डिस्क्राइब करना है तो आपको वर्डिंग्स एक मतलब पढ़ लेना, बात बिल्कुल वही कर रहे हैं जो भी हम, मैंने वहाँ पे भी बिल्कुल वही लिखा हुआ जो भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग एरेज को लेट से मैं बात करता हूँ कि अभी तो मैंने एरे को ऐसे डिक्लेयर किया, ठीक है, यहाँ पे, और फिर मैंने एरे को छोड़ दिया, बाद में कभी मेरा मूड हुआ तो मैंने क्या किया एरे की वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दिया, नहीं की मूड हुआ नहीं की छोड़ दी, बाद में कभी कर ली। लेकिन अब मैं ऐसे टाइप का एरे बनाना चाह रहा हूँ या मैं एरे को इस तरह रखूँ या मैं एरे को डिक्लेरेशन के टाइम पे, मैं एरे को एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन मैं वैल्यू फॉरन असाइन कर दूँ। जैसे कि मैं स्ट्रिंग टाइप का एरे देता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल देता हूँ और इसका नाम मैं दोबारा से नेम ही रख देता हूँ, नेम नेम रखा है नेम नहीं रखा है इसका नाम, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या करेंगे न्यू, बिल्कुल न्यू, और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप दे देंगे स्ट्रिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स तो बनेंगे लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे लेंथ नहीं आएगी, लेंथ आएगी यहाँ डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल्स के जो भी आप वैल्यू के नाम रखना चाह रहे हो ना, जो भी आप वैल्यूज रखना चाह रहे हो एरे में वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई, वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाए करेंगी। लेट से मुझे यहाँ पे वही 3-4 नाम रखने हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये रहा, ठीक है, यही मैं यही सारे नेम्स जाना यहाँ पे रख रहा हूँ, सेकंड के अंदर ये नेम आ गया, ठीक है। फिलहाल नेम्स भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में समझने में मुश्किल ना हो, लेकिन आप नेम चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि नेम चेंज ना करूँ मैं, नेम्स मेरे ऊपर है, ये मुझ पर डिपेंड कर रहा है, मैं नेम चेंज करना चाहूँ कर लूँ, नहीं करना चाह रहा तो ना करूँ, नॉट
इट्स नॉट एन इशू, ठीक है। और यहाँ पर हमने वैल ही रखा, नाम चेंज नहीं किया, ठीक है। ये सारे नेम्स यहाँ पर आ गए, देखो एरे बन गया, एरे के अंदर ये सारे नेम्स आ गए, ठीक है। एरे अच्छी तरह से डिक्लेयर, तो जिस तरह से मैंने बताया था एरे बन गया। और अब क्या करें, इस प्रोसेस को मैं सही, अब यहाँ पे मुझे एरे को वही प्रिंट करना है पहले की तरह, सही है। अब क्या करना चाहिए, मैं यूजर को बताना चाह रहा हूँ कि एरे की लेंथ कितनी है। अब नहीं पता ना यूजर को, क्योंकि अब तो एरे की लेंथ मैंने बनाई नहीं है, ठीक है। मैं इसके अंदर और मजीद नेम स्टोर करता हूँ थोड़े से, मैंने कहा लेट से हमजा, मैंने मजीद नाम दिए, मैंने कहा सादिक, मैंने मजीद नेम दिए, मैंने मैंने कहा कि भाई सादिक, ठीक है। मैंने ये सारे नेम मजीद दिए, मैंने कहा नहीं यार मैं इससे खुश नहीं हूँ, मुझे मजीद नाम चाहिए, मुझे मजीद लोग चाहिए मेरे एरे में। अब मुझे प्रिंट करनी है कि लेंथ कितनी है इस एरे की, तो अभी से देख लो, अभी नहीं देखना, जब मैं बताऊँ ना, जब मैं प्रिंट करूँ कंसोल्स में उसके बाद देखना और बताना लेंथ कितनी है, ठीक है। देखो सी डब्ल्यू टैप टैप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द लेंथ ऑफ द एरे इज, और एरे की लेंथ कैसे होगी भाई, नेम्स नेम्स डॉट डॉट लिखेंगे, और अब इस डॉट के अंदर देखो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, इसके अंदर से एक अदद है लेंथ, ठीक है। सॉरी यार, कंट्रोल F5, तो कितनी लेंथ आई, 8 लेंथ आई, इसका मतलब इसमें कितने आइटम्स होने चाहिए, इसमें 8 वैल्यूज होनी चाहिए, तो लेट्स सी हैं भी कि नहीं है, देख लेते हैं। पहले मैंने 5 वैल्यूज ऐड की थी, उसके बाद मैंने 3 नाम और ऐड किए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका मतलब है सी शार्प का प्रोग्राम जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे इस पे यकीन है, ठीक है। यानी कितनी लाइन है टोटल मेरे प्रोग्राम के अंदर, कितनी वैल्यूज है मेरी, मेरे एरेज के अंदर टोटल 8 वैल्यूज है, ठीक है। अब मैं इन्हीं वैल्यूज के थ्रू प्रिंट करता हूँ, मुझे तो नहीं पता एरे के अंदर वैल्यूज कितनी होंगी, एरे जो प्रिंट होगा लेट से भी उसके अंदर वैल्यूज कितनी होंगी, किस तरह से प्रिंट होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एरे की लेंथ को, मुझे मुझे सारी वैल्यूज को प्रिंट भी करना है, जाहिर है मैं अब कोड करके तो नहीं बैठ जाऊंगा, मैं इतना तो फारिग नहीं हूँ कि कोड करके बस बैठ गया तो बैठ गया, और कोई काम नहीं है मेरे पास। मैं क्या करूँगा, इसको मजीद डिस्कस करूंगा, मैं कहूँगा यार मुझे ना एरे की लेंथ को ये भी देखना है कि मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ सारी वैल्यूज को, तो एक वैल्यू स्किप ना हो जाए, ठीक है। फॉर लूप मैंने स्टार्ट की, फॉर लूप के अंदर मैंने क्या किया, अब मैं देखो कहाँ तक लेके जाऊंगा, मैं आई को किसे छोटा रखूंगा, मैं आई को रखूंगा नेम्स डॉट लेंथ से छोटा, नेम्स डॉट लेंथ से छोटा, ठीक है। और सारी वैल्यूज आई की फिर मैं प्रिंट कर दूंगा, सिंपल। और मैंने यहाँ पे क्या करें, द नेम इज, और देन आप आगे क्या कर सकते हो भाई, सिंपली आप कर्ली ब्रैकेट वाला काम भी कर सकते हो, जो हम डॉलर लगा रहे थे, देखो डॉलर के साथ इस तरह कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन लगाया, सॉरी डॉलर का साइन लगाया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे नेम्स नेम्स और इसके ब्रैकेट के अंदर आई, या फिर आप यहाँ पे ये जैसे मैंने ऊपर किया, मैं इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट काम करूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, इस तरह से भी कॉन्केटनेट कर सकते हो और इस तरह से भी कॉन्केटनेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो ताकि कुछ अच्छा इंप्रेशन आ जाए, कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं, देखें क्या होता है। तो देखो पहले बताया लेंथ इसकी 8 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नेम इसने मुझे प्रिंट करके दे दिए। कल को लेट से मैं नेम्स चेंज करता हूँ,
मैंने यहाँ पे ये नाम ऐड किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे देख ये नाम ऐड कर दिया, मैंने मोहम्मद का नाम ऐड कर दिया, ठीक है। ये कुछ लोग और ऐड हुए मेरे पास, कंट्रोल F5। तो बस मसला ही नहीं है कोई, मैंने बीच में से वैल्यूज एंटर किए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। जो जो मैं वैल्यूज एंटर करता गया, जो जो वैल्यूज मैं ऐड करता गया, वो एरे के अंदर आती गई और लेंथ भी बड़ी होती गई। देखो ना, कंट्रोल F5 प्रेस कर रहा हूँ तो ये लेंथ भी बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है। एरे की लेंथ भी अभी मुझसे बढ़ा के दिखा रहा है कि भाई एरे की लेंथ जो है ना वो अभी हो गई है। इसके अलावा ये मुझे ये भी दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग देख रहा था कि हो रही है नहीं हो रही, ये मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपकी टोटल वैल्यूज जो है वो ये प्रिंट होकर आ गई है, सही है, प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छी तरह से देख लो, प्रॉब्लम है तो फिर मुझे डिस्कस कर लो, मसला नहीं है कोई। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं इस सब में से? अभी तक जितना पढ़ा उसमें तक पूछ रहा है तो पूछ रहे भाई, कोई भी कोई पूछना चाह रहा है तो पूछ रहे। तो वैसे मैं आगे बढ़ूँ, नहीं पूछना, चलो। अच्छा, मैं इसको फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक प्रोजेक्ट आप लोगों को दे दूंगा, या तो इसकी नोटपैड की फाइल कॉपी करके दे दूंगा, तो आप लोग उसको देख सकते हो उसको, ठीक है। और इसको हमने क्या, अभी हमने बनाए एरेज जो कि सिंगल डायमेंशनल थे, ठीक है, एक डायमेंशन वाले एरेज थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें एरेज बनाने हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। एरेज की दो टाइप्स होती हैं यहाँ पे सी शार्प के अंदर, एरे कितने टाइप के होते हैं, मेनली एरेज होते हैं दो टाइप के, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। हमने सी की लैंग्वेज के अंदर एरेज पढ़े थे, उसके अंदर क्या होता था, नॉर्मल एरेज और 2D एरेज, हमने ये दो टाइप पढ़ी थी। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एरेज मल्टी डायमेंशनल होते हैं, यानी एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आमतौर पर जब हम दो ही टाइप के रखते हैं एरेज, ठीक है, आमतौर पर ऐसा नहीं करते हम कि हम ये तीन चार टाइप के, बेसिकली मेनली भी जो एरेज ज्यादातर यूज होते हैं वो टू डायमेंशनल एरेज ही यूज होते हैं। बट यहाँ पर आपको एक ईजी मैथ है, यहाँ पर एक एरे का एक ये समझ लो, ये मैं एक चीज एक छोटी सी एग्जाम्पल दिखाऊंगा अगर वक्त हुआ, सही है। क्या आप एरे की जैक्ड एरे नाम का एक एरे होता है, उसको किस तरह से डील करते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ये समझ लो कि एरे के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे वास्ट एक काम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अपने एरे को डायनेमिक कर सकते हो। डायनेमिक सेंस के अंदर क्या आप वैल्यूज बड़ा डायनेमिक कर सकते हो, जब चाहो वैल्यूज लिख रहे हो, चाहो तो वैल्यूज ना दो, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। इस सेंस के अंदर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एरेज को बहुत ज़्यादा डायनेमिक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी के हिसाब से एरेज को आप लेके चल सकते हो, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और आप अपनी मर्जी से एरेज को प्रिंट करोगे, जिस तरह चाहो उनको यूज करो, ठीक है। अच्छा, किसी को पता है कि टू डायमेंशनल एरेज के अंदर क्या होता है, आपकी स्पेस जो है ना वो थोड़ा सा मैनिपुलेट होती है, ये समझ लो कि अपनी स्पेस को जरा सा आप सेट कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, हम बना लेते हैं, अब मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे हम, सही है। तो हम नॉर्मल एरे नहीं बना रहे, जो एक वैल्यू वाला होता था वो तो अब एरे नहीं बनाएंगे, मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे, ठीक है। उसको देख लेते हैं कि किस तरह से होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बस अब ये मसला है, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे टाइप डिफाइन करो, यार थोड़ी सी आवाज़ मेरी ना आप लोगों को ख़राब आ रही होगी, डिस्टॉर्शन अगर आ रही हो, मुझे बहुत ज़्यादा, मेरी गले में बहुत ज़्यादा खराश है और फ्लू काफ़ी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह देखो कुछ दिनों में सही हो जाएगा। मैं मेडिसिन तो ले रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा बर्दाश्त करना, ठीक है। और इस एरिया का कोई भी आप नेम दे दो, लेट से मैं इसका नाम माया एरिया रख देता हूँ, माया एरिया का नाम दिया, ठीक है। और जिस तरह से अभी तक कर रहे थे, बिल्कुल इस तरह से, अब देखो खुद ही ये मुझसे पूछ रहा है कि इंटीजर टाइप, बिल्कुल सर इंटीजर टाइप कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आता है,
और यहाँ पे होवर करते हैं। अब उससे क्या कह रहा है ये मुझसे कह रहा है एरे क्रिएशन मस्ट हैव एरे साइज और एनी इनिशियलाइजर, ठीक है, या तो इनिशियलाइजर होना चाहिए यानी कोई वेरिएबल जो ये बताए यहाँ पे वैल्यूज कितनी आएंगी, ठीक है। जैसे वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू कोई रख के रखी हुई है चार और यहाँ पे वेरिएबल का नाम आ जाएगा, उसका मतलब चार वैल्यू रहेंगी। मैं यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, 4, मतलब मुझे मल्टी डायमेंशनल काम करना है एरे के अंदर, ठीक है, जो मैं यहाँ बता चुका हूँ, मैं यहाँ बता चुका हूँ। तो मैं मल्टी डायमेंशनल एरे पे काम करूंगा। अब मैंने यहाँ पे लेंथ दे दी एरे की, और अब यहाँ पे देखो सबको डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, तो सेमी कॉलन नहीं आएगा यहाँ पे। और दूसरा ये कितना आसान है, ये इतना आसान है कि आप सिर्फ क्या करो, अभी जो नीचे वाला कर्ली ब्रैकेट है ना, बस यहाँ भी सेमी कॉलन लगा दो और खत्म आपके पास। अब आपने करना क्या है, आपने मल्टीपल वैल्यूज देनी है, अब आप यहाँ पे क्या करो वैल्यूज रखते जाओ, वैल्यूज रखनी है मुझे लेट से, ये तो मेरा बन गया क्या चीज, ये तो बन गया मेरा एरे, ठीक है, ये इसके अंदर क्या आ गई, ये इसके अंदर वैल्यूज भी आ गई, सही है। लेकिन अभी भी क्या है, मसला ये है कि ये अभी मुझे रेड लाइन शो कर रहा है, जिसका मतलब क्या है, और यकीनन इसके इसके कुछ एरर होंगे जो ये जाहिर है बताना चाह रहा है। एरे ये देखो इनिशियलाइजेशन ऑफ लेंथ 4 इज एक्सपेक्टेड, यानी इसकी लेंथ जो है ना वो 4 नहीं है, तो 0। देखो पहला जो मेरे पास होता है ना, पहला जो मेरे पास ये पैरामीटर होता है, ठीक है, ये किस चीज का होता है, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 3 है, इसका मतलब इसमें 3 तो वो आ गई। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे मैंने, अब देखो पहला जो मैंने बताया था, पहला पैरामीटर किस चीज का होता है, वो होता है रॉस का, तो 3 रॉस तो आ गई, ठीक है, 0, 1, 2, या अगर कह लो 1, 2, 3, 3 रॉस तो आ गई, लेकिन 4 कॉलम्स भी आए थे। तो अब जब 4 कॉलम्स आए ना, 1, 2, ठीक है, 3, और अब जब 4 कॉलम्स आए तो इससे ये समझ गया कि हाँ भाई जो कॉलम्स हैं वो 4 हो गए और मामला जो है वो बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है, और अब कोई एरर का प्रॉब्लम जो है ना वो रॉस का है नहीं। अच्छा सी लैंग्वेज में हम क्या करते थे, 0 पे 3 वैल्यूज, 1 पे 3 वैल्यूज, तो यहाँ पे भी वही है कि 0 रॉ करते हैं कॉमेंट के साथ साथ करते हैं, ठीक है, ये 0 रॉ है, ये 0 रॉ है, ये 1 रॉ है, एक मिनट, ये 1 रॉ है और ये 2 रॉ है, ठीक है, 0, 1 और 2 रॉ, सही है, यहाँ तक का मसला हल हो गया, बिल्कुल यहाँ तक का मसला हल हो गया। इसके बाद जीरो रॉ, 1 और 2 रॉ का मसला तो यहाँ तक हल हो गया। इसके बाद मैंने क्या देखा, कॉलम, तो ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, तो 4 कॉलम्स भी आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये मतलब हमने देख लिया। इसका मतलब है 3, 4 का मतलब जो है वो इसको प्रोग्राम को भी समझ में आ गया और हमें तो समझ में आ ही गया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक मल्टी डायमेंशनल एरे बना लिया। अब इसकी मुझे लेंथ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू सेव है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल उस पुराने वाले एरे की तरह। जैसे यहाँ मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने क्या किया था, लेंथ के थ्रू काम किया था, मैंने लिखा नेम्स डॉट लेंथ, ठीक है। यहाँ मेरे पास लेंथ ही नहीं है ना, इसकी लेंथ बेसिकली बनती है ऐसे 3, 4, 12, तो 12 वैल्यू इसके अंदर टोटल है, ठीक है। अगर यहाँ से देखो गौर से, तो देखो 4, 4 और 4, बेसिकली 3, 4, 12, तो 4 वैल्यूज तो बन गई यहाँ पे। लेकिन ये तो हमारी जनरल एक देसी कैलकुलेशन के थ्रू हमने आंसर निकाला है ना, मैं चाह रहा हूँ कि बाकायदा इसको
जब प्रिंट करूँ तो ये वैल्यूज मुझे सामने नजर आ रही हो, ठीक है। लेट से मैं लेंथ भी पता करूँ कि यार लेंथ है कितनी टोटल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस एरे की लेंथ है कितनी, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ एरे इज और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नहीं, अच्छा माई एरे नाम था उसका, सॉरी माई एरे और डॉट गेट लेंथ, ठीक वैसा दे उसका कंट्रोल है। अच्छा फिलहाल तो लेंथ की स्क्वायर, तो टोटल वैल्यू उसने मुझे बताया कितनी वैल्यू है, टोटल टोटल 12 वैल्यूज है जो कि मुझे बता रहे हैं कि इतनी आपकी जो एरे आपका उसमें टोटल इतनी वैल्यूज है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि ये सारी वैल्यूज जैसे मैंने पहले प्रिंट की थी, जाहिर है मतलब अभी हम यही सोचेंगे भाई जैसे आपने पहले हमें वैल्यूज सरकार प्रिंट करके दी थी ऐसे ही आप इसमें प्रिंट करके दो, ठीक है। तो देखो अभी क्या होगा, अभी मुझे बिल्कुल इस तरह से वैल्यूज प्रिंट करके लेगा जैसे पहले प्रिंट थी, ठीक है। मैं वही जाहिर है मैं फॉर लूप पे यूज करूंगा, ये वैल्यूज मैंने प्रिंट करनी है तो फॉर लूप के थ्रू यूज करूंगा, फॉर लूप के जरिए ही मैं वैल्यूज को प्रिंट करूंगा, ठीक है। मैंने लिखा फॉर, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अगर यहाँ देखें आई को, तो इस आई को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर इस आई को मैं लिखूंगा माई अरे डॉट और ये गेट लेंथ करें, गेट लेंथ से फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है, इसके जरिए आगे काम करेगा ये। और मैं जीरो से यानी मैं अभी पहले उसको मैं रॉस को कॉल कराना चाह रहा हूँ ना, ठीक है, तो मैं रॉस की लेंथ लूंगा कैसे, इस ब्रैकेट पर मैं यहाँ पास कर दूंगा जीरो। इसका मतलब है कि मेरी जो रॉ एरे की माई एरे का जो फर्स्ट पैरामीटर है, ठीक है, ये उसको कॉल करेगा अभी फिलहाल, ठीक है। और मैं यहाँ पर कोई सेंटेंस पास कर सकते हो, चाहो तो अभी पास कर लो चाहो तो बाद में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं खाली प्रिंट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं कुछ नहीं रख रहा, और मैं यहाँ पे एक और फॉर लूप को स्टार्ट कर लूँगा, इसने खुद ही से अपने आप को आई के बजाय मैं इसको जे कर लेता हूँ, जे खुद ही कर लिया आगे, ठीक है। तो मैंने क्या अब यहाँ पे क्या करना है सर, बिल्कुल आपने ये करना है, मैं यहाँ उठाऊंगा ऐसे करके, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा वन पास कर दूंगा, यानी अभी मैंने कौन सी चीज की लेंथ ली थी, इसकी पूरी लेंथ ले ली थी जो 3 हो गई होगी, और अब मैं किसकी लेंथ ले रहा हूँ, इस वाले पैरामीटर की, तो उसकी लेंथ यकीनन 4 होगी, तो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ किस तरह प्रिंट करेंगे, यहाँ पे आप माय एरे को प्रिंट कर दें और उसका जो पैरामीटर है ना आई कॉमा जीरो देना, तो कैसे माई अरे और सिंपली क्या करो आई कॉमा कॉमा जे, ठीक है, आई कॉमा जे मैंने प्रिंट कर दिया और सिंपली एक स्पेस दे लो, कंट्रोल एच, ठीक है, सेव भी कर लिया इसको, और चाहो तो बाद में भी लूप वगैरह के पार कहीं कंट्रोल एच टाइप में लिख के बता दो कि भाई प्रोग्राम एंड हो गया व्हाटएवर, और उसको प्रिंट करते हैं। देखो कितनी वैल्यूज आ गई मेरे पास, अच्छा इसे करते हैं कंसोल डॉट राइट से, एक चीज देखना अभी जरा कंसोल तो देखो एग्जैक्टली वही जो सारा मैंने किया था, कंसोल डॉट राइट से क्या होता है, कंसोल डॉट राइट से एक लाइन प्रिंट नहीं होती, उसी लाइन में डाटा प्रिंट हो जाता है, और हर इंटरवल में मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ लूप से बाहर लगाया हुआ था, यहाँ लूप से बाहर लगाया हुआ था, तो हर इंटरवल के ऊपर जब सेकंड पैरामीटर की तरफ जा रहे थे हम तो क्या हो रहा था, ये लाइन सेपरेट कर रहा था, तो बिल्कुल वैसा ही डाटा जैसे मैंने लिखा था अपने पास ऊपर, ठीक है। और एक मिनट फाइव,
ठीक है, ये प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही प्रिंट हो गया जैसे हम चाह रहे थे। ये देखो बिल्कुल एज इट इज उसी सीक्वेंस के साथ सारी वैल्यूज आ गई जिस तरह से हम चाह रहे थे कि ये वैल्यूज ये प्रिंट हो। ये मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। ये एरे की मल्टी डायमेंशनल यानी मल्टी डायमेंशनल वाली टाइप कहलाती है। और मल्टी डायमेंशनल एरे भी मजीद दो टाइप के अंदर डिवाइडेड होता है। एक एरे होता है रेक्टेंगुलर एरे और एक एरे होता है जैक्ड एरे। ये हमने पढ़ा है रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। हमने सिंगल डायमेंशनल एरे नॉर्मल जो एरे होते हैं वो पढ़े, हमने यहाँ मल्टी डायमेंशनल एरेज पढ़े। मल्टी डायमेंशनल एरेज के अंदर ये रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसके अंदर आप पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर कंप्लीट कर रहे होते हो। यानी लेट्स अगर ये थ्री रोज है तो इसके डिफाइंड फोर कॉलम्स हैं। अब हर किसी को फोर कॉलम्स वैल्यूज चाहिए, हर सबको फोर कॉलम्स के अंदर वैल्यूज चाहिए। सबकी वैल्यूज जो है ना वो कॉलम के हिसाब से या सेकेंड जो डायमेंशन है उसमें सेम होनी चाहिए। फर्स्ट करो अगर फर्स्ट डायमेंशन की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट डायमेंशन के अंदर 1, 2, 3, 4 वैल्यूज है, तो सेकेंड में भी फोर होंगी, थर्ड में भी फोर होंगी। लेकिन जैक डायरे का जो जो मसला है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैक डायरे कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। जैक डायरे कहते हैं मैं तो अपनी मर्जी से काम करूंगा, मैं तो सेकेंड के अंदर अलग अलग वैल्यूज लूंगा, फर्स्ट में मैं अलग वैल्यूज लूंगा, फोर्थ में अलग वैल्यूज लूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है, यही वाली बात थी। वो कहेगा नहीं मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, मैं आपके ऊपर नहीं चलूंगा। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा, कैसे करना है ये देख लेते हैं। मुश्किल ये भी नहीं है, जो रेक्टेंगुलर एरे है ये भी मुश्किल नहीं था। समझ में आया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो बताओ, हम फिर जैक डेरे की तरफ चलते हैं। जैक डेरे भी इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, आप इसके अंदर वैल्यूज बहुत आसानी से देख सकते हो। ठीक है, जैसे इनपुट कर रहे हैं, जैसे हम आउटपुट ले रहे हैं वैल्यूज का, इसी तरह से आप इनपुट भी दे सकते हो वैल्यूज का। ठीक है, बस तो पहले से डिफाइंड हो कि आपने वैल्यूज देनी कैसे है और फिर उसका आउटपुट कैसे लेना है। अभी यहाँ तक तो प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ जी, यहाँ तक तो प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मरवान डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे दोबारा कनेक्ट कर ले। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ जाए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सही है असद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब्दुल्ला सरमद, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों को भी। अच्छा, कमेंट के अंदर लिख देता हूँ। मल्टी मल्टी डायमेंशनल एरे और ये रेक्टेंगुलर एरे भी कहलाता है। तो ठीक है, ये तो मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया, ये रेक्टेंगुलर एरे भी हो गया। मैं बताया क्या कर रहा हूँ, ये देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ इस पूरे को और मैं सिर्फ इसमें कुछ चेंजेस करूंगा और ये एग्जैक्ट एरे बन जाएगा। ये मैंने कंट्रोल सी किया और अब मैं कमेंट भी कर देता हूँ साथ साथ। मैं लिटरली सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और ये यहाँ पे मैं देख लिया किस तरह से मैं इसको ना जैक डेरे में कन्वर्ट करूंगा। मैंने कॉलम्स, अब मैंने कॉलम्स को देखना है कि मैं कॉलम्स को किस तरह से डील करूंगा। मुझे यहाँ पे अब देखना क्या करना है, जैक डेरे के अंदर मुझे ये कॉमा नहीं रखना, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ना सिंपली ये बता देना है कि अब मेरी डायमेंशन चेंज हो रही है। अब मैं ज़रा सा डिफरेंट तरीके से काम कर रहा हूँ, एरे का नाम फिलहाल मैंने चेंज नहीं किया और मुझे पहले वाले का तो पता है, क्योंकि अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मुझे सेकंड पैरामीटर पता ही नहीं होता कि कितना होगा, तो मुझे पहले वाले का पता है, इसको फोर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना होगा मुझे, मैं यहाँ पढ़ता हूँ ज़रा क्या मसला आ रहा है मुझसे। फिर यही कह रहा है, देखो ये मुझसे कह रहा है एन एरे इनिशियलाइजर और लेंथ फोर इज एक्सपेक्टेड। उसका मतलब है लेंथ फोर मैंने इसको देनी है, तो लेंथ फोर कैसे दूंगा मैं इसको, लेंथ फोर मैं इसको दे देता हूँ यहीं से। देखा तुम लोगों ने, मैंने वैल्यूज तुम ज्यादा पास किए अभी। मैंने वैल्यूज इतनी सारी पास की है, मैंने वैल्यूज ज्यादा पास करनी है। वैसे मैं अभी और मरीज वैल्यूज पास कर सकता हूँ।
वैल्यूज यहाँ पे भी मैं ज़्यादा पास कर लेता हूँ। सही है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है वैल्यूज में कितनी ज़्यादा रखूँ कितनी ज़्यादा ना रखूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है। बस एक चीज़ मुझे ध्यान में रखनी है, मैंने क्या करना है, हमेशा इन वैल्यूज को कैसे यूज़ करना है, मैंने हमेशा ना बस एरे को उस तरह डिफाइन कर देना है, एरे को बता देना है कि भाई तुमने ना ये ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई एरे, और तुम्हारी जो फर्स्ट डायमेंशन है वो 0 है। खत्म। ठीक है, बस मैंने ये बता देना है कि भाई तुम्हारी जो फर्स्ट डायमेंशन है ना वो इस तरह से बनेगी, और तुम फिर सेकेंड डायमेंशन मिल के रखो यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही वैल्यूज दे देता हूँ मैं, बिल्कुल एक्स। तो वन पास कर दूंगा तो देखना ये भी चला जाएगा। ठीक है, फोर डायमेंशन यानी अगर देखा जाए तो ये रॉस की सूरत में तो कितने थे, 4 थे। ठीक है, बट कॉलम्स की सूरत में इसकी वैल्यूज जो है वो कम ज्यादा हो रही है। अभी भी अगर तुम लोग देखो तो इनकी वैल्यूज जो है वो आपस में कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब इसको किस तरह से डील करना है ये तो मैं यहाँ पे, मुझे क्या शुरू कर रहा है कि मुझे यहाँ पे भी एरर शो कर रहा है, मैं देखता हूँ एरर क्या है। देखो ये कह रहा है, अब ये मुझसे कह रहा है कि आप नेस्टेड एरे इनिशियलाइजर इज एक्सपेक्टेड। अब ये मुझसे कह रहा है कि भाई नेस्टेड एरे का जो इनिशियलाइजर है ना वो एक्सपेक्टेड है, यानी एरे के अंदर एरे, एक एरे के अंदर मैंने एक और एरे बनाया तो उस एरे का जो इनिशियलाइजर है ना वो एक्सपेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि अब मैंने यहाँ पर हर एरे के अंदर, देखो अब सेकेंड डायमेंशन नहीं दिया तो वो कह रहा है इस एरे के अंदर चार जो रॉज है हर रॉ के अंदर मजीद एक एरे बन रहा है। ये एरे एक अलग एरे बना, फिर ये एक अलग एरे बना, फिर ये एक अलग एरे बना। तो हर एरे को इनिशियलाइज करने के लिए मुझे पहले वाले को खत्म करना पड़ेगा, तो सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले वाले को खत्म किया तो सेमी कॉलन लगा दिया, यहाँ पहले वाले को खत्म किया तो इसके बाद यहाँ खत्म होगा तो यहाँ पे सेमी कॉलन लग जाएगा। जब ये सेमी कॉलन लग गया तो फिर क्या हो गया, वाह वाह सर जबरदस्त। जब ये सेमी कॉलन लग गया ना तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, समझिए। और मैं ज़रा इसको तो आगे ले जाता हूँ, स्टाइलिश करके ज़रा सा। ठीक है, मैंने कहा यार यहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा, क्यों लगेगा सेमी कॉलन, क्योंकि वैल्यूज उस तरह से मैं सही नहीं दे पा रहा था। ठीक है, अब सेमी कॉलन भी लग गया, सारी वैल्यूज भी बिल्कुल सही आ गई, लेकिन सर आपने इसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स जो थे वो तो नहीं लगाने थे ना, क्योंकि आपने एक एरे के अंदर एक और एरे बनाया तो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे। देखो खुद से समझो, एरे के अंदर एक और एरे बन रहा है लेकिन एरे की डायमेंशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाओ और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट हटा दो। फिर जो चेंजेस करो ना वो बता रहा हूँ कि चेंजेस किस तरह से होंगे, और ये तमाम एरर जो है वो चले गए अब ऊपर वाले एरे के अंदर और ये वाले एरे के अंदर। यहाँ डिफरेंस है, अभी हम ये नीचे वाला काम करेंगे, जाहिर है अभी मुझे डायमेंशन प्रोवाइड करनी है इसको। ठीक है, अब ऊपर वाले एरे की डिक्लेरेशन में और नीचे वाले एरे की डिक्लेरेशन में जरा फर्क देखो। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ देखो, तो देखो यहाँ पे किस तरह डिक्लेरेशन की गया और यहाँ किस तरह वैल्यूज आएंगे। यहाँ पे सेकंड डायमेंशन बता ही नहीं है कि कितनी है। ठीक है, और उसके लिए मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, वैल्यूज को इस तरह से मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो अलग से अलग साइड में काम किया हुआ है, वहां मैंने अलग, यहाँ पे मैंने एरे के अंदर एक और एरे बनाया हुआ है। वहां पे मैंने क्या किया था, एरे के अंदर सिर्फ एक डायमेंशन मैंने ऐड की थी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे मैं ये कॉमा भी हटा देता हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब क्योंकि एरे के अंदर एक और एरे है, अगर तुम लोगों को याद होगा सी लैंग्वेज में ऐसे करते थे कि एरे के अंदर एक और एरे बनता था, यहाँ पे भी क्या है, अब एरे के अंदर एक और एरे बन रहा है। बेसिकली वहाँ पे वो 2D एरे होता था। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा मुझे, बिल्कुल अंदाजा है, लेकिन अगर बता सकते हो तो बताओ। लेट से प्रॉब्लम मुझे लग रहा है तुम लोगों को जाहिर प्रॉब्लम तो आ रही होगी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, लेंथ
कैलकुलेट करते हैं, इस पूरे को कमेंट करते हैं, या इस पूरे को मैं कट कर लेता हूँ, फिलहाल कट कर लेता हूँ, और कंट्रोल एफ फाइव प्रेस करते हैं, इसको इसकी लेंथ निकालते हैं, ये वाला जो एरे है ना अभी मेरा, कंट्रोल एफ फाइव, जो नया एरे इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ आ रही है फोर, क्यों फोर आ रही है इसकी लेंथ, क्योंकि इसकी कॉलम जो डिफाइंड है ना फोर, यहाँ पर फोर आ रहा है, इसकी जो रॉज है वो फोर डिफाइंड है, लेकिन अभी इसके कॉलम डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ये तो एरे के अंदर एक और एरे बन रहा है। तो अब देखते हैं इसको प्रिंट कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट कैसे करेंगे, ये जैक्ड एरे कहलाता है, याद रखना, जैक्ड एरे के अंदर क्या होता है, कॉलम्स डिफाइंड नहीं होते, कम ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो रखो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, बहुत कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, और अच्छा ये प्रॉब्लली हमारा लास्ट सेशन होगा, यानी अभी आज की क्लास के लिए, इसके बाद फिर मैं दोबारा स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो। हाँ तो हम यहाँ बात कर रहे थे लेंथ की, बात कर रहे हैं, सही है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लेंथ चाहिए किस चीज़ की, मुझे यहाँ पे लेंथ चाहिए भैया, मेरा जो जो आगे वाला काम हो रहा है ना, लेट से मुझे अपना फर्स्ट जो डायमेंशन है उसकी लेंथ चाहिए। तो हमने पहले लेंथ कैसी ली थी, हमने किया था माई एरे, जो एरे का नाम है ना मेरे बाय एरे, ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे यहाँ पे रखना है माय एरे डॉट, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए माय एरे की, मुझे यहाँ पे माय एरे की लेंथ चाहिए, ठीक है, तो मैं माय एरे की लेंथ कैट लेंथ करके लूँगा, और कौन सी डायमेंशन की लेंथ चाहिए, तो भाई फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ चाहिए, फर्स्ट डायमेंशन है जीरो, तो फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ यहाँ पर आ गई। अब लेट से मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल डॉट राइट लाइन भी प्रिंट करा देता हूँ, ताकि वो गैप वाला जो सीन है ना वो बन जाए, ठीक है, एक और फॉर यहाँ पे इनिशियलाइज करा लेते हैं, और ये होगा जे वाला फॉर, ठीक है, इसकी लेंथ मुझे क्या चाहिए, अब इसकी लेंथ के साथ मुझे खेलना है, क्यों, क्योंकि मुझे ये बात करनी है कि भाई आई की जो लेंथ है ना, मुझे आप उस पर जाओ, सही है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे माय एरे के बाद मैंने कहा आई अरे कौन सी, यानी इसको कौन सा वाला चाहिए लेंथ, तो मैंने कहा आई आई, और अब इसकी लेंथ लेना, आई की जो सेकेंड लेंथ है ना वो आप, आई की लेंथ उसने ले ली, ठीक है, यानी अब सेकेंड डायमेंशन को ये डायनेमिकली हर मरतबा चेंज कर पाएगा, हर मरतबा चेंज कर पाएगा, ठीक है, मैं कल को मैं वैल्यूज चेंज भी करता रहा हूँ तब भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं कुछ भी करता फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको इतनी ज़्यादा परेशानी फेस करने को नहीं मिलेगी, ठीक है, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे माय एरे, और माय एरे के अंदर जाके पास करना है मुझे, मुझे पास करना है आई जी, और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो स्पेस के लिए उसको, ठीक है, मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसा सर्च करता हूँ नेक्स्ट वीक, तो देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, अगर मैं सिर्फ इसको राइट कर दूँ तो ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल वैसा आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा डॉट राइट कर देता हूँ, ये देखो पहले क्या था, रॉज और कॉलम सेम थे, बट अब रॉज है 1 2 3 4, बट कॉलम्स कितने, 1, यानी रॉज और कॉलम सेम थे का मतलब, अगर यहाँ 3 रॉज है, इसके अंदर 3 रॉज है, यहाँ फर्स्ट में 4 कॉलम्स हैं, तो सेकंड में भी 4 कॉलम्स हैं, थर्ड में भी 4 कॉलम्स हैं, फोर्थ में भी 4 कॉलम्स हैं, लेकिन अभी फर्स्ट में 4 कॉलम्स हैं, सेकंड में 2 4 6, थर्ड में 2 और 4, फोर्थ में 2 4 और 5, ठीक है, यानी जब दिल चाह रॉज या कॉलम्स चेंज कर दिए, सही है, ये मकसद है कहने का, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई, ये जैक डायरेज कहलाते हैं, ठीक है, इनके ऊपर मैं लिख देता हूँ जैक डायरेज,
ये होते हैं जेड डेरिव्स, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि आपके जो कॉलम्स है ना वो वेरिएट कर सकते हैं, कॉलम की वैल्यूज आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, कॉलम्स की वैल्यूज जिस तरह आप चाहो उनको उस तरह से रख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? एक्सरसाइज पे खत्म कर देते हैं, सब लोग बता दें कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तक तो पूछने में मस्ते वाली बात नहीं है, पूछने से अच्छी बात है, कंफ्यूजन क्रिएट, कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होगी। ये वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी से वैल्यूज रख सकते हो, अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो उनको, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना। रेक्टेंगुलर एरे समझ में आया, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, रेक्टेंगुलर एरे भी आसान है और जैक एरे भी आसान है, और बाकी मुश्किल है कोई क्वेश्चन करने का आप पूछ सकते हो, आप बोलिए वाली बात नहीं। बस प्रैक्टिस रखो, प्रैक्टिस नहीं छोड़ो, प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, ये कह रहा हूँ प्रैक्टिस ना छोड़ें तो बेहतर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो मेरे से किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ कभी, वरना फिर मैं क्लास एंड कर देता हूँ। लेकिन हाँ प्रैक्टिस मस्ट है, और मैं असाइनमेंट अभी एक दूंगा तो वो कर लेना, छोटा सा टास्क होगा, विजुअल स्टूडियो सबके पास इंस्टॉल हो गया, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी छोटा सा एक टास्क दूंगा तो वो कर लेना हम लोग, ठीक है। और ये कोड इंशाल्लाह मैं जितना जल्द हो सकता है मैं अपलोड तुम लोगों के लिए क्लासरूम पे कर दूंगा, तुम लोग वहाँ से देख लेना, विजुअल स्टूडियो होगा तो ये कोड भी ओपन हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। और कोई मुश्किल आ रही हो तो मुझे बता देना, मुझसे पूछ लेना, ठीक है, उसको देख लेंगे, मिलकर हल कर लेंगे।